विशाल काय पत्थर है, भीम काय पत्थर है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो गाइस, चलिए एपिसोड 3 शुरू करते हैं, झालंग टू बिंदु, जिसकी दूरी 10 किलोमीटर है। फंस गया, देखिए रास्ता। बिंदु एक प्यारा सा गांव है जो गोरू बथान सीडी ब्लॉक में पड़ता है, जो कालेपुर डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल का सबसे पुराना और भारत का दूसरा सबसे पुराना डैम भी है, जिसे हम लोग साथ मिल करके एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि वो डैम किस तरह का दिखता है। और एक बताना तो भूल ही गया कि जो पश्चिम बंगाल का जो सबसे पुराना डैम है, जो बिंदु में बना था, वह 1925 में बनना शुरू हुआ था और 1958 में वो पूरा बन करके तैयार हो गया था। बिंदु के दो रास्ते हैं, एक आप ऊपर से होते हुए थोड़ा शॉर्ट रास्ता होके जा सकते हैं और एक नीचे से आप घूमते हुए काफ़ी थोड़ा लॉन्ग रास्ते होकर के। तो हम लोगों ने शॉर्ट रास्ता चूज़ किया जो थोड़ा ऊपर होकर के काफ़ी हरी चढ़ाई होकर के जाएगी। हमारे इधर हरियाली खेत, ये पहाड़ को काट के जो बनाया हुआ, ये सारे पहाड़ों को काट करके बनाया गया खेत। तो देखिए कितना, और ये झालंग का गांव है। तो देखिए झालंग का गांव काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ से नज़ारा देखिए भाई साहब, कमाल का नज़ारा भाई साहब, कमाल का। और यहाँ पर देखिए भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत, शानदार, लवली लवली। और ये आपने सुना है ना टेरेस फार्मिंग, ये देखिए टेरेस फार्मिंग का एग्जांपल, ये पहाड़ों को काट करके टेरेस फार्मिंग की तरह सीढ़ीनुमा डाल पर बनाया गया खेत। और ये देखिए हर जगह पानी ही पानी, या अल्लाह। राजू बिंदु जानू को ये बाटो कौन हो यो? थैंक यू। कंटिन्यू चढ़ाई करने के बाद हम लोग नीचे डाउन हो रहे हैं, ठीक है ढलान, ठीक है ढलान। ये भाई साहब रास्ता छोड़ के कमान जाने के लिए कौन था? थैंक यू। जगह जगह पे रास्ता ख़राब है और जगह जगह पे स्पीड ब्रेकर, और वो भी छोटे छोटे नहीं, काफ़ी ऊँचे ऊँचे। हिमालय होम स्टे, चलिए यहाँ का शानदार व्यू दिखाते हैं। ये जो सामने देख रहे हैं ना, वो जलडाका नदी है। और शायद हम लोग उस जगह पे थे, देखिए कुछ देर पहले हम लोग वहाँ नीचे
तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, लेट्स गो। काफ़ी चुनौती से भरा हुआ ज़िंदगी, और आगे एक स्कूल है, आई थिंक स्कूल है ना, ये देखिए सेंट जोसेफ स्कूल। वाह, बिंदु के रास्ते में सेंट जोसेफ स्कूल, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी बेहतरीन। हाँ चलो यहाँ पर रुका जाए, बिंदु यही है ना, लो पहुँच गया ना, आ गया है ना। हाँ रेस्टोरेंट है, एक वाटरफॉल्स भी है, तो ऊपर जाएंगे। पहले तो मैं अपना मोबाइल रिचार्ज कर लूँ। ये देखिए काफ़ी ताल का है पत्थर, और मेरा जो YouTube चैनल का पहला ब्लॉग जो था, मैंने जो पहला जो स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट जो वीडियो डाला था वो यहीं का था, इसी जगह का, इसी ब्रिज का और इसी पत्थर का। जो छोटा सा 52 सेकंड का था, तो ये इसी पत्थर का था और इसी झरना का, इसी का। तो ठीक है चलते हैं, पहले यहाँ पर कुछ खाते हैं, उसके बाद मोबाइल रिचार्ज करते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे और यहाँ का दृश्य को आपको मैं दिखाता हूँ। वही तो बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है वीडियो। यहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर है, चलिए आपको उस बड़े पत्थर को दिखाता हूँ, चलिए आइए मेरे साथ। अरे बाप रे बाप, विशाल का पत्थर है, भीम का पत्थर, चलिए उठा के लेके चलते हैं इसको। या अल्लाह, ये देखिए ये पत्थर का शेप देखिए। हाँ यार, कहाँ लेके जा रहा है ये देखिए जंगल। हाँ कितना बड़ा पत्थर है, पत्थर को तो देखिए, पत्थर के साइज को तो देखिए। चलिए आगे बढ़ते, खुद काफ़ी आगे चला गया, चलिए चलिए। हाँ और दौड़ के दौड़ के, किधर से किधर से, हाँ कहाँ लेके जा रहा है, बाप रे। ये देखिए ये पेड़, आप जो घर में झाड़ू देखते ना, फूल झाड़ू देखते ना, फूल झाड़ू उसी का पेड़ है। तो यहाँ से तोड़ के लेके चलते हैं, घर में फूल झाड़ू बनाएंगे। देखे खुर्शीद कहाँ चला गया, देखे अकेले अकेले चुप चुके भाग रहा है। अरे पूरा एनर्जी यहीं पे निकाल देगा क्या, आगे भी तो जाना है। अरे बाप रे बाप, टूट टूट के हड्डी, चोट लग गया। देखे खुर्शीद शाहरुख खान का पोज दे रहा है, शाहरुख खान का पोज देते हुए खुर्शीद देखे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिए चलिए, थोड़ा एक्सरसाइज का फायदा मिल रहा है यहाँ पे।
श्रीकाल। चलिए देखे पीछे देख रहे हैं वो जो होटल, वो होटल में कुछ देर पहले हम लोग खाकर मोमो खा रहे थे, अभी देखिए कितना नीचे है और हम लोग कहाँ चले आए। आए कम ऑन जल्दी आइए, आप लोग भी आइए आइए हमारे साथ घूमने। तो यहाँ के मैं कुछ सिनेमैटिक व्यू दिखाता हूँ, तो आप एंजॉय कीजिए यहाँ के सिनेमैटिक व्यू को। विशाल का पत्थर देखिए कितना बड़ा पत्थर है, और यहाँ एक ही नहीं बहुत सारे पत्थर है बड़े बड़े। ये देखिए सामने आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये पत्थर भी जो है ये पत्थर भी काफी बड़ा है। तो देखिए ये एक चैम्बर बना हुआ है, और ये चैम्बर इसलिए बनाया गया है कि यहाँ पर पहाड़ के पानी को स्टोर किया जा सके, और इन पाइपों के माध्यम से पहाड़ों में पानी की सप्लाई की जा सके, जिससे कि पहाड़ का जो लोग है वो पानी पी सके और पानी का इस्तेमाल कर सके। इसलिए देखिए यहाँ पर चैम्बर बनाया गया है और पानी को स्टोर करके रखा गया है। तो ये तो काफ़ी बेहतरीन पहल है, हमें भी ऐसा करना चाहिए, पानी को कंजर्व करके रखना चाहिए और पानी को वेस्टेज नहीं करना चाहिए। तो ये जो पद्धति है ये सभी को सीखना चाहिए, और किस तरह से पानी को कंजर्व करके रखा जा सके इस पर आदमी को लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो समय है वो शॉर्टेज होने वाला है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो पानी के अभाव में सूखा पड़ने वाले हैं, वहाँ पानी का अभाव होने वाला है। तो हमें भी यहाँ के लोगों से सीखना चाहिए और इस तरह का चैनल बना करके रखना चाहिए पानी रिजर्व करने के लिए। तो बड़ा ही खूबसूरत, तो चलिए यहाँ से आप चलते हैं, अब यहाँ से आपको मिलते हैं नीचे। फाइनली हम लोग बिंदु पहुँच गए और यहाँ हम लोग ऊपर चले आए। जान हथेली पे ले आए रे, तो सच में आप देख के खुश हो जाएंगे यहाँ का व्यू को। यहाँ पर बहुत सारे चॉकलेट के दुकान हुआ करते थे, लेकिन अभी नहीं है। सामने है, देखा जाए कुछ लिया जाएगा। आइए, ये डैम है ना। तो गाइस आखिरकार इतने जद्दोजहद के बाद हम बिंदु पहुंच ही गए। तो जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपका पश्चिम बंगाल का जो सबसे पहला बना हुआ डैम है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम जो है, मैं वो आपको दिखाऊंगा। तो ऑलरेडी हम यहाँ पहुंच चुके हैं, और चलिए मैं आपको यहाँ का बिंदु का नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे फैमिलीज भी आए घूमने के लिए, यहाँ के व्यू को इंजॉय करने के लिए, और यहाँ पहुँचने में थोड़ा देरी हो गया क्योंकि रास्ते में मैं पानी में गिरा। जो ऊपर मैं डैम पे चढ़ा था, ऊपर वाटरफॉल्स पे, तो क्या हुआ कि मेरे पाँव पे लीच, वो जोक बोलते हैं ना, जोक लग गया था। अरे पता नहीं जूते के अंदर किस तरह से घुस गया वो, जी जूते के अंदर घुस करके मेरे स्किन को अंदर टच कर ही रहा था कि मुझे चुभने का एहसास हुआ, और मैंने देख लिया तो देखा, जूता खोला तो देखा कि लीच लगा हुआ है, तो थोड़ा डर गया था, इसलिए यहाँ पर आने में थोड़ा लेट हो गया। चलेगा इस पर, चलो हो गया। अब यहाँ कुछ देर रुकेंगे, उसके बाद यहाँ से हम लोग अपने घर की ओर चल जाएंगे। ये देखिए, ये जो पीछे देख रहे हैं पश्चिम बंगाल का सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम, देखिए कितना खूबसूरत है। तो मैं आपको यहाँ का 360 व्यू दिखाता हूँ। इसके आगे आप उस साइड जा भी नहीं सकते, क्योंकि उस पार से पूरा भूटान
तो यही आखिरी छोर है, तो यहाँ का कुछ व्यू लेते हैं। तो आप यहाँ के व्यू को, यहाँ के फोटो को एंजॉय कीजिए। बच्चों के लिए चॉकलेट, सब वैरायटी के चॉकलेट है यहाँ पे। ये तो पश्चिम बंगाल का सबसे पुराना है, ये पहला है ना डैम। ये पूरा कम्प्लीट हुआ 1958 में, और 1925 में शुरू हुआ था, और 1958 में ये कम्प्लीट हो गया था ना, खत्म हो गया। रोड है ना, ये सब टनल है, अंडरग्राउंड वाटर जाता है पूरा। इसका टर्नल टर्नल टर्बाइन है ना, नीचे मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा, टर्बाइन तो नीचे है। चलिए, अच्छा लगा। तो यहाँ का व्यू दिखाने के बाद आज के ब्लॉग को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। तो अगर मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो मैं आपका महमूद आलम आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।